हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेम टेज बाय यूट्यूब चैनल। भैया रोज की तरह आज भी एक इंस्टा रील वायरल वीडियो एडिटिंग और ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। सो पहले आप इस वीडियो को एक बार देख लें। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, अभी तू मेनू नजरों से दूर। तो भैया अभी अपने जिस वीडियो को प्रीव्यू में देखे, मतलब इस तरह के वीडियो देखे होंगे, मतलब इंस्टाग्राम पे वायरल चला, इस पे मतलब जो है 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू आ चुका है। अगर आप इस तरह की वीडियो एडिट करके अगर आप पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपका 100% चांस है कि आपको भी वीडियो वायरल होगा। तो देन करना क्या, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करते हो सकते हो जानकारी आपसे मिस हो जाती है, स्किप नहीं करना है। और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं जो भी मटेरियल यूज करता हूँ वो टेलीग्राम पर ही सेंड करता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज में ले सकते हो। और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के जो वायरल वीडियो एडिटिंग और ट्यूटोरियल लेकर आता रहता हूँ। तो भाई लोग चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देन यहाँ से करना है कि ये वीडियो हम एडिट करेंगे, जो कि ये एलाइट मोशन, जो कि ये नेम आर्ट वीडियो, देन ये एलाइट मोशन ओपन करेंगे। अगर आप इसे डाउनलोड अगर नहीं किए, एलाइट मोशन जो कि विदाउट फ्री और बिल्कुल वाटरमार्क इसमें नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करा है, वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके यूज में ले सकते हो। और नहीं मिला तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, तो डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ से देन करना कि ओपन आप यहाँ पे कर लेना जैसे मैंने किया है, और यहाँ से आपको कुछ नीचे ऑप्शन शो करेगा, तो देन करना क्या है, प्लस पर टाइप करना है। और जैसे यहाँ पर आप टाइप करते हो प्लस पर, उसके बाद कुछ ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। देन करना कि आपको ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, देख लीजिएगा आप यहाँ पर अगर 4K में रखना चाहते हो तो 4K में रख सकते हो। तो यहाँ से मैं 1440p रख रहा हूँ, जो कि फुल HD में, और ये फ्रेम रेट 30 FPS रखेंगे, क्योंकि मैं इसमें जो है यहाँ से 30-60 FPS तक है। तो यहाँ से अगर 60 रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो, देन यहाँ से मैं 30 ही रखता हूँ, तो यही सही है। और बैकग्राउंड ब्लैक रखेंगे, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर टाइप करेंगे। टाइप करेंगे उसके बाद देन करना है कि आपको प्लस पर टाइप करना है, और इमेज इन वीडियो पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको कर लेना है व्यू ऑल। व्यू ऑल करने के बाद देन करना है कि यहाँ से मैं इस बैकग्राउंड इमेज जो मतलब ये वायरल चला है, ये बैकग्राउंड इमेज अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड करा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको मैंने रिमनी से जो है इसका मतलब क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज़ किया, मतलब साफ़ किया, तो आप यहाँ से रिमनी से साफ़ कर लेना। उसके बाद देन प्लस पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद देन करना क्या है, यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको कर लेना क्या है, फिल स्क्रीन, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद ये पूरा इसमें फिट हो जाएगा। उसके बाद देन करना क्या है, साउंड ऐड करना। तो यहाँ पर आप ट्रेंडिंग साउंड यूज कीजिएगा, मतलब जो अभी वायरल चल रहा है मतलब इंस्टाग्राम पर साउंड, वही आप यूज कीजिएगा। तो देन ये अभी वायरल चला, जो कि कुछ न्यू साउंड है, ये मतलब शेरशाह मूवी का एक साउंड है, जो कि मतलब काफ़ी वायरल चल रहा है, तो इस यहाँ से मैं उस सॉन्ग को यूज करूँगा। तो देन ये किधर गया सॉन्ग, तो ये रहा, आएंगे इधर, और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो है। देन इस पर टाइप करेंगे। टाइप करने के देन करना क्या, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको कर लेना है एक्सट्रेट ऑडियो, ये हो गया एक्सट्रेट ऑडियो। और इस वीडियो को यहाँ से आपको कर लेना है डिलीट, ऐसे आप डिलीट कर लेना। और यहाँ से देन ये करना क्या है, इस जो है फोटो जो दिख रहा है ना, इस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद इसे आप जहाँ तक रखना चाहते हो मतलब वहाँ तक आप इस तरीके से घिसका लेना, और देन आपको इस पर टाइप करोगे तो वहाँ तक ये लास्ट तक मतलब फोटो ऐड हो जाएगा, जहाँ तक साउंड है वहाँ तक, देख सकते हो ये हो गया। अब यहाँ पे करना है कि आपको यहाँ पे मतलब जिस भी नाम को बनाना चाहते हो, मतलब आप अगर फुल नेम लेना चाहते हो तो फुल नेम भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैं नेम का फर्स्ट लेटर लूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर मतलब वायरल चला है, तो यहाँ से फर्स्ट लेटर सही रहेगा। तो देन आप फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करना है, तो देन कैसे करना है, प्लस पर टाइप करना है टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन और यहाँ से आप जो भी लेटर लेना चाहते हो, सपोज ए आर, तो यहाँ से ए आर या मतलब ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मैं सपोज एक ये टाइप कर रहा हूँ, क्या, तो ये आर में टाइप कर रहा हूँ, ये है ना, ये हो गया। उसके बाद देन यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और ये सेलेक्ट करेंगे वाइट कलर, और इस पर क्लिक करेंगे और इसके साइज़ को थोड़ा इस तरीके से पूरा ऐसे कर लेना, पूरा बड़ा कर लेना, देख लीजिएगा आप यहाँ पर पूरा बड़ा कर लीजिएगा 144p। उसके बाद देन करना है रोबोट रेगुलर पर क्लिक, और रोबोट रेगुलर पर क्लिक करने के बाद देन करना है व्यू ऑल फंड कर लेना है। और यहाँ से आपको नीचे आना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ ये हैंड राइटिंग और ये वाला ऐसे करेंगे, और ये इंपोर्ट वाले में आएंगे, और इंपोर्ट वाले मैंने अब इंपोर्ट कर रखा है एक फॉन्ट, जो कि ये कुछ इस तरीके से ये रोमन SD, ये देख सकते हो, जो कि ये रोमन SD मतलब ये एक फॉन्ट है। तो आप ये अगर नहीं मिला तो आप मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, डाउनलोड करके और इसमें इंपोर्ट कर लेना। अगर आपको नहीं आता इंपोर्ट करना तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कैसे इंपोर्ट करना, वहाँ से देखकर इंपोर्ट कर लेना। देन इसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो जो कि यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। उसके बाद कहीं भी स्क्रीन पर टाइप करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और इसे लास्ट तक घिसका लेंगे, ऐसे लास्ट तक हो गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे मूव एंड ट्रांसफर पे, और इसे कहाँ पर रखना है तो यहाँ पर आप रख लीजिएगा,
और देन करना है इस पर क्लिक और मूव एंड ट्रांसफर पाएंगे और जो थर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे इसके साइज़ को आप यहाँ पर अगर बड़ा रखना चाहो तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप जितना बड़ा रखना चाहो तो इस तरीके से आप बड़ा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ से मैं इसे यहाँ पर रखना चाहता हूँ, यहाँ पर सही है। अब देन करना है इस पर क्लिक, बॉर्डर एंड शैडो में आना है और ये लास्ट थर्ड वाला जो ऑप्शन शो कर रही है इस पर आना है और ये शैडो को आपको इनेबल कर लेना है, ये हो गया। और साइज़ यहाँ पर आपको यही रखना है 4 और ये अल्फा वैसे ही रहने देना है। उसके बाद देन कहीं भी स्क्रीन पर टैप कर लेंगे, फाइनली यहाँ पर हो गया। अब इसमें इफेक्ट ऐड करना है जो कि वो ड्रॉइंग वाला जो चल रहा था, देन इस पर क्लिक करेंगे, आर पे इफेक्ट में आएंगे, ऐड इफेक्ट में, और यहाँ से आपको ड्राइंग एंड एंड्स का एक इफेक्ट दिख रहा है, देन इस पर आना है। आने के बाद ये ड्राइंग प्रोग्रेस सेलेक्ट करना है और ये स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है और देन यहाँ से करना है कि मतलब टेक्स्ट को स्टार्टिंग में आना है और आने के बाद एंड जो दिख रहा है ना आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद देन प्लस पर की एक लगाएंगे और लगाने के बाद देन इस सबको जो है पूरा 100 दिख रहा है ना, तो इस सबको पूरा 0 कर लेना है, कुछ इस तरीके से पूरा 0.0 कर लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से आपको ध्यान के समझ नहीं, ये तो हो गया। अब यहाँ से आपको देन इस पर क्लिक करना है, मतलब एंड में आ जाना है, एंड के हल्का सा छोड़ देंगे, इतना छोड़ देंगे, हाँ इतना सही है, इतना छोड़ देंगे थोड़ा सा, और देन करना है एंड पे आ गया। अब इसी को ऊपर वाले को नहीं बल्कि एंड वाले को ही आपको जो 0 किया ना उसको आपको फिर से 100 कर लेना है, जो जैसा था फिर वैसे आपको कर लेना है, 100 पूरा ऐसे खिसका कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद कहीं भी स्क्रीन पे टैप कर लेंगे, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये मतलब इसमें एक ड्राइंग इफेक्ट वाला ये एक इफेक्ट लग चुका है, देख सकते हो जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लिख रहा है, यहाँ पे हो गया। अब सिंपली से करना क्या है, यहाँ से आप यहाँ पे क्या था तो लव यू यहाँ पे था ना एक टेक्स्ट, तो वो लिखना है, देन प्लस पर टाइप करेंगे टेक्स्ट पे और यहाँ से आपको टाइप कर लेना है LOVE लव और यू, सॉरी स्टोरी नहीं बल्कि यू लेंगे, YOU, ये हो गया। उसके बाद इसका भी फॉन्ट रखना है, तो फॉन्ट तो पहले इसके कलर को पहले यहाँ से वाइट सेलेक्ट करेंगे और इसके साइज़ को थोड़ा रख लेंगे, कितना तो ये रख लेंगे 48, नहीं तो 56 ले लेना, 56। और देन करना है रोबोट रेगर पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है, फीलिंग लवली वाला ये वाला फॉन्ट है। अगर आपके पास ये फॉन्ट नहीं है फीलिंग लवली वाला तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मेरे टेलीग्राम से मैं दे दूँगा वहाँ से, ये देख सकते हो ये फीलिंग लवली। देन करना क्या है, यस करना है और कहीं भी स्क्रीन में टाइप कर लेना, फिर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देन करना क्या, मूव एडिट पे आना है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डॉट देना भूल गए, तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से 4-5 ऐसे डॉट ले लेना और इसे ऐसे रख लेना और यहाँ पे आपको बस यहाँ पे लाकर ऐसे रख लेना है, देख सकते हो। अब देन इसे करना है कि आपको लव यू को आपको पूरा लास्ट तक घिसका लेना है, जहाँ तक साउंड है वहाँ तक, और फिर करना है कि जो यहाँ पे आर लेटर है ना इस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद देन इफेक्ट पे आना है और यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके ये कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ये हो गया। अब यहाँ पे आर वाला हो गया, अब लव यू पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, देख सकते हो। अब जो कि दोनों में इफेक्ट ये लग चुका है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे। अगर फाइनली यहाँ से वीडियो बन के तैयार हो चुका, अब चलिए इसे एक बार प्ले करके भी देख लेते हैं। देख सकते हो जो कि काफ़ी ऑसम लग रहा है। अभी इसे सेव करने के लिए दिन करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो ऐसे मिलेगा। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से आपका वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो जो कि यहाँ से वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा, तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भाई लोग मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, है ना, ओके बाय बाय।